नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये झांसी का बिहारी चौराया है, जो शिवपुरी मार्ग पर हाईवे पर रॉयल सिटी के पहले बना हुआ है। ये आप देख रहे होंगे झलकारी बाई की मूर्ति लगी हुई है। ये बिहारी तिराहा है झांसी का। काफ़ी चौड़ी सड़क बन गई हैं, खम्भों पे कैमरा आप देख सकते हैं। तीसरी आँख की नज़र में है सारे लोग, आने जाने वाले लोग। ये तीसरी आँख लगी है खम्भे पर, आप देख रहे होंगे। स्मार्ट सिटी बन चुकी है झांसी। खम्भों पर लाइटें, रात में बड़ा सुहाना लगता है जब तिरंगा लाइटें जलती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें खुल चुकी हैं, पत्थर मार्बल बिल्डिंग हर चीज़ की इस रोड पर दुकान मिल जाएगी। ये हाईवे बड़ा ही अच्छा नज़ारा दिखता है जब रात में निकलते हैं लोग। ये खम्भों पे जब तिरंगा लाइट जगमगाती है तो लगता है कि हाँ स्मार्ट सिटी है। आप जो देख रहे हैं पाइप जो पड़े हैं, ये दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। और ये पाइप जो पड़े हैं, कई लोग चोटिल भी हो गए हैं इनसे। रक्षा में भी ऐसे ही पाइप जगह जगह पड़े हैं। हम अपील करते हैं मार्केट संवाद चैनल से कि ये पाइप जो हैं, या तो इन्हें ज़मीन के अंदर कर दिया जाए या इनको उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी चोटिल हो जाते हैं। दिखाई नहीं देता है, रात का समय होता है तो चोटिल हो जाते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली छाई हुई है, नज़ारा अच्छा है हाईवे का। कई जगह जो विकास हो रहा है, पाइपलाइन डल रही है, गैस की पाइपलाइन भी डल रही है, खुद रहा है जगह जगह, पानी की भी जगह जगह लाइन बिछ रही है। हर जगह खुदे कर कहीं कहीं जगह मिट्टी डाल दी है और उसको फैलाया नहीं है। हर जगह पाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हम आपको दुकानदारों से चर्चा करते हैं, पूछते हैं। भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। भाई साहब, ये जो पाइप पड़े हैं रोड पर, ये कब से पड़े हैं? ये करीबन 5-6 महीने हो चुके हैं। और ये जब पाइप लाइन जो है अंडरग्राउंड डाल रहे थे, उसके बाद इन्होंने कहा था कि एक दो दिन अंडरग्राउंड हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने पाइप डाल करके छोड़ के चले गए। आए दिन लोग यहाँ चोटिल हो जाते हैं और वो लोग नज़र नहीं आ रहे, जिनके जो पाइप जो गैस लाइन की जो है पाइप डाल के गए हैं वो लोग यहाँ नहीं आते। हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा था कि रक्षा में जो है यही पाइप लाइन से एक फोर व्हीलर गाड़ी टकराई, उसमें जो है तमाम लोग चोटिल हुए और यहाँ तक है कि एक आध दो लोग मृत्यु भी हुए थे उनके। तो हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है ये पाइपों को हटाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आगे दुर्घटना ना हो पाए। आइए हम दुकानदारों की जुबानी सुनते हैं और आपको सुनवाते हैं दुकानदारों से। भाई साहब, ये क्या कहना चाहते हैं? पाइप पड़े हैं बेगत, ये दीपावली है, पहले से ये पाइप यहाँ पड़ी हुई है, जिसमें असुविधा इतनी है कि लोग आप टकरा कर गिर जाते हैं। अगर नापने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ियाँ तक टकरा जाती हैं। धन्यवाद सर। ये पाइप पड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बड़ी दिक्कत आ रही है पाइप में, कई गाड़ी यहाँ पर टकरा रही है। यहाँ के सारे दुकानदार अपनी जो पाइप पड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हो? इस
बारे में यही कहना चाहते जी, हट जाए, परेशानी हो रही कोई, गाड़ी वाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही, दिक्कत भी है। सारे दुकानदार परेशान हैं पाइपों से। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांस।